हेलो एवरीवन। सो गाइस, बॉक्स्ड इन क्या होता है इसको सीखते गए। देखिए, होता क्या है कि इफ़ यू आर बॉक्स्ड इन, यू आर अनेबल टू मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय अदर पीपल और कार्स। मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं, सपोज ये आप हैं और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, चारों तरफ से आप घिर गए हैं, एकदम दब से गए हैं, बीच में फंस गए हैं। इट मीन्स यू आर बॉक्स्ड इन। इस सिचुएशन में आप खुद को बोल सकते हो, माय गॉड, आई एम बॉक्स्ड इन, आई एम बॉक्स्ड इन। यू समझ लीजिए जैसे कि कोई बॉक्स के अंदर कैसे दब जाता है बेचारा, उसी तरीके से आप अंदर दब गए हैं, चारों तरफ से लोग हैं, या आपकी कोई कहीं पर गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर लग गई, अब आपकी गाड़ी जो है वहां पर क्या हो गई, बॉक्स्ड इन हो गई, यानी कहीं ना कहीं फंस गई, वहां से निकलना मुश्किल है। साफ लिखा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर बॉक्स्ड इन, यू आर अनेबल टू मूव, आप मूव भी नहीं हो पा रहे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह पर आप है, आप वहां से हिल भी नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय अदर पीपल, आप बाकी लोगों से घिरे हुए हैं, या गाड़ियां वाड़ियां चारों तरफ आपके हैं और आप फंस गए हैं, या आपकी गाड़ी ही कहीं पर फंस गई है। तो उन हालात में आप कह सकते हैं कि आई एम बॉक्स्ड इन और यू नो माई कार इज बॉक्स्ड इन। यहाँ पर हम जो इज आर एम लगा रहे हैं और बॉक्स्ड इन लगा रहे हैं, यानी कि अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ आई एम बॉक्स्ड इन, ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है कि भैया इस वक्त मैं फंसा हुआ हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें गेट भी लगा सकता हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आई गॉट बॉक्स्ड इन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ कि आई वॉज बॉक्स्ड इन एंड आई कुडंट गेट आउट ऑफ द पार्किंग स्पेस, यानी कि मैं पार्किंग स्पेस में एकदम फंसा हुआ था, बॉक्स्ड इन था, वहां से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं यार फंस गया, तो मैं गेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि येस्टरडे आई गॉट बॉक्स्ड इन, आई गॉट बॉक्स्ड इन, मान लो बॉक्स्ड इन देयर, आई गॉट बॉक्स्ड इन देयर, मैं वहाँ पर एकदम फंस गया था। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। कई बार इसका फिगरेटिव मीनिंग भी होता है। फिगरेटिव मीनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हैं और उस घर में किसी ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं। अभी सारे रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में आप फंस गए कि अरे बाप रे, ये मुझे करना पड़ेगा, ये भी, ओ माय गॉड, हाय मैं तो फंस गया। अब ऐसा आपको बोलना है, वहाँ भी आप कह सकते हैं ओ माय गॉड, आई गॉट बॉक्स्ड इन, आई गॉट बॉक्स्ड इन। फिगरेटिव मीनिंग है। मान लीजिए कि चारों तरफ से गुंडों ने आपको घेर लिया है, अब तो आप भैया कहीं भी नहीं भाग सकते, आप फंस गए भाई साहब, यू गॉट बॉक्स्ड इन। तो इन जगहों पर भी आप कह सकते हैं बॉक्स्ड इन, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए, दैट ड्यू टू दीज रूल्स, मान लो बहुत सारे रूल्स है, ड्यू टू दीज रूल्स आई थिंक आई गॉट बॉक्स्ड इन, मुझे लगता है कि मैं भैया फंस गया हूँ, आई थिंक आई गॉट बॉक्स्ड इन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपके समझ में ये बॉक्स्ड इन आ गया होगा, तो अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सचमुच आपके चारों तरफ लोग हैं, फंसे हुए हैं, तो बॉक्स्ड इन, और अगर रूल्स रेगुलेशंस के चक्कर में फंस गए हैं, कायदे कानून के चक्कर में फंस गए हैं, किसी ने आपको गुंडे मवाली आ गए और अरे बाप रे हम तो फंस गए भाई, आप तो भाग नहीं सकते भाई, वहाँ भी आप कह सकते हो माय गॉड वी गॉट बॉक्स्ड इन, वी आर बॉक्स्ड इन, ओके। अगर आपको ये पेज चाहिए तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, वहाँ से ले लीजिए। नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।